बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे चिकन सैंडविच पिज़्ज़ा। सबसे पहले हमने एक प्याली मैदा लिया, आधी चम्मच नमक, कम ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं, या आधी, ये एक छोटी ये वाली चम्मच ईस्ट है, ये हम इसमें शामिल कर दिया हमने। अच्छी तरह मिक्स किया। तीन चम्मच हमारे पास घी है, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पानी से एक डो बना लेते हैं। ये हमने पानी से एक डो बना लिए। अब कम से कम हम इसको 10 मिनट रखेंगे ढक के, जब तक हमारा चिकन की हमारी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सैंडविच पिज़्ज़े की हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। एक चम्मच हमने ऑयल डाला इसमें, एक पाव से ऊपर ही हमारे पास बोनलेस चिकन है, इसको हमने बारीक बारीक इस तरह के पीस में कटिंग कर लिया इसमें। एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, आधी छोटी चम्मच हमारे पास नमक है, कम ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं, आधी चम्मच छोटी हमने लिए हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच कुटा हुआ भुना हुआ धनिया, आधी चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच है ना हमने छोटी ये वाली, ये हमने लिए कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसको हम डाल लेते हैं। आधी चम्मच हमने डाली है वाइट मिर्च, और चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर देते। अब हम इसको हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लेते हैं। बस ये इसी में ही हमारा चिकन अच्छी तरह गल जाएगा। कम से कम हम 1 से 2 मिनट तक इसको पकाएंगे। थोड़ा सा हमने ना दो चम्मच जितना हमने इसमें पानी डाल दिया। अब ये अच्छी तरह ये चिकन गल जाएगा 2 मिनट के अंदर अंदर, उसके बाद मिलते हैं। अभी हमारा चिकन अच्छी तरह गल गया। अब इसमें कम से कम हम इसमें 2 चुटकी जितना ज़्यादा कलर डालेंगे, ताकि इसका कलर और ज़्यादा खूबसूरत आ जाए। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। बस ये पानी थोड़ा सा खुशक हो जाएगा, फिर हमारा उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे। बस हमारा चिकन ये ठंडा हो गया। अब हम इसको एक तरफ रख देते और ये डो देख लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, दो भी हमारी बहुत अच्छी हो गई है। अब हम इसका पेड़ा बना लेते हैं। पेड़ा बना लिया हमने। अब हम इसको 2 हिस्सों में कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, अब हम 2 पेड़े बना लेंगे। एक हमने पेड़ा उठाया। अब हम इसकी एक रोटी बेल लेंगे। बस ये हमने रोटी बेल ली है। ये देखिए, इतनी मोटी रोटी बेली है हमने। तवा हमने रख दिया और चूल्हा जला दिया। अब हम इसमें इस पे ये डाल देंगे, फिर इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। इतने में हम ये दूसरी रोटी बेल लेते हैं। ये एक तरफ से सिक गई है, और हमने इसको थोड़ी सी हमने सेक लिया। ये दोनों तरफ से सिक गई है, बस हमें इस तरह सेकना है बस। अभी हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए, अभी हमें दूसरी रोटी डाल देते। दूसरी रोटी को भी हम इसी तरह पकाएंगे। ये देखिए, बस ये भी हमारी रोटी बन गई है। देखिए इसी तरह माशाल्लाह से बहुत मज़े की रोटी बन गई है। अब हम है ना इसको भी उतार लेते। अभी हमने ट्रे ली और इस पे है ना हमने ये रोटी रख दी, एक रोटी, और एक रोटी हमने अलग से रख दी। अब इस रोटी पे हम थोड़ा सा मायोनीज लगाएंगे, कम ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं। इस तरह लगा के सब जगह फैला देंगे। सारे हमने इसी तरह मायोनीज लगा लिया, पूरे में फैला दिया अच्छी तरह, कम ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम केचप लगा देते, हल्के हल्के हाथ से हम केचप लगा देते। चिली गार्लिक केचप लिया हमने, ये हम इसमें लगा देते हैं।
कम ज़्यादा आप लोग लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह। अभी हमारे पास ये चिकन है, चिकन को हम लगा देंगे सबको इस तरह, इस तरह चारों तरफ लगा दीजिए। ये हमने चिकन लगा लिए। अब हमारे पास मोज़रेला चीज़ है, मोज़रेला चीज़ भी हम थोड़ी ज़्यादा आप लोग लगा सकते हैं। इस तरह हम सब में लगा देंगे। ये हमने मोज़रेला चीज़ भी लगा दी है इस पर, जैसे भी आप लगा सकते हैं, काट के लगाए, जैसे भी लगाए आप लोग। अब थोड़ा सा हमारे पास ये हरा धनिया है, हम हरा धनिया को भी इसके ऊपर लगा देंगे ताकि और ज़्यादा देखने में भी खूबसूरत लगे। थोड़ा सा ओरिगानो है, ओरिगानो हम छिड़क देते इस पर, थोड़ा सा ओरिगानो भी हमने इस पर छिड़क दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। अब इसके ऊपर हम रोटी लगा देते हैं। ये रोटी ये ली, ये हमने वापस ये वाली रोटी भी लगा दी। अब इसके ऊपर है ना, इसके ऊपर हम मायोनीज़ लगा देंगे। अब ये मायोनीज़ लगा दिया हमने, इसका एक हम अच्छा सा डिज़ाइन बना लेंगे बस। मर्जी आप लोगों की, आप लोग जैसा भी डिज़ाइन बनाए इस पर, जैसा भी आप लोगों को सही लगे। अब ये थोड़ा सा केचप है हमारे पास, गार्लिक केचप है, इसको भी हम थोड़ा थोड़ा इस तरह लगा देंगे ताकि देखने में भी खूबसूरत लगे। अब हमारे पास ये गाजर है, ये ऑप्शन है आप लोग लगाओ या नहीं लगाओ। ये थोड़ी सी गाजर है, ये हम लगा लेंगे तो इसकी मज़ीद खूबसूरती में और इजाफा हो जाएगा। इसी तरह हम सारे में गाजर लगा देते हैं, गाजर लगा दिए। अब ये थोड़ी सी शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च को भी हम ऐसे लगा देंगे, थोड़ी ज़्यादा आप लोग लगा सकते हैं। देखें इस तरह के लंबाई में काट ली थी हमने शिमला मिर्च को, अब ये सब में लगा देंगे। अब ये थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च है, ये हमने दूर दूर ये लगा देंगे। ये देखें चुटकी भर। अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा ओरिगानो लगा छिड़क दिया हमने, थोड़ा सा हरा धनिया है, इसको हम ऊपर से लगा देंगे और ज़्यादा ताकि देखने में भी खूबसूरत हो। ये चिकन सैंडविच पिज़्ज़ा बहुत मज़े का बनता है, बहुत मज़े का बनता है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें, मेरे तरीके से बनाएं। अब ये थोड़ी सी हमारे पास चीज़ बची थी, इसको हम दूर दूर इस तरह लगा देंगे, बस दूर दूर जैसे तैसे भी आप लगाएं। हमारा चिकन सैंडविच पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको ना थोड़ी सी देर बेक करने के लिए रख देते हैं ताकि इतनी ताकि ये मोज़रेला चीज़ जो हमने लगाई है अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। कम से कम 5 मिनट लगेंगे हम इसको बेक करने के लिए। ये हमारे चिकन सैंडविच पिज़्ज़ा बहुत मज़े का तैयार हो गया है, अच्छी तरह बेक हो गया है। बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। जवाब रेसिपी है, ये हमने इस तरह की सैंडविच की तरह कटिंग कर ली है। अब ये एक उठा के दिखा देते, ये देखिए खाली सिर्फ लुक चेक करें खाली। इतने मज़े की रेसिपी है ये बनने वाली, बहुत मज़े का बनता है, बहुत मज़े का। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें, मेरे तरीके से बनाएं। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो अमाल में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।